हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ओवर स्मार्ट। तो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो में, एक नया प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन देखे। जो प्रॉब्लम है आज, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है नो ऑडियो प्रॉब्लम इन विंडोज़ 8, 8.1 एंड 10। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इसका तीन पार्ट लेके आऊँगा और उसमें से एक पहला पार्ट का वीडियो मैंने पहले ही पब्लिश कर दिया है और आज है दूसरा पार्ट। मैंने कहा था कि अगर पहले पार्ट में जो मैंने सॉल्यूशन बताया वो बहुत ही इफेक्टिव है, फिर भी अगर ऑडियो नहीं आता है तो आपके लिए मैं दूसरा सॉल्यूशन लाऊंगा। तो ये दूसरा सॉल्यूशन है जो बहुत जनरल सॉल्यूशन, आप इसे पहले भी ट्राई कर चुके होंगे, पर फिर भी एक बार आप देख लीजिए ताकि जिन्हें समझ में नहीं आ रहा हो वो समझ सकें। तो ये रहा मेरा डेस्कटॉप। आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट में जाना है, ये जो विंडोज़ का आइकन है आपको राइट क्लिक करके कंप्यूटर मैनेजमेंट पर जाना है। कंप्यूटर मैनेजमेंट का विंडोज़ एक बार खुल जाने पर आपको लेफ्ट पैनल में डिवाइस मैनेजर को खोजना है और डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है। डिवाइस मैनेजर एक बार खुल गया आपका, उसके बाद आपको साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर को खोजना है। ये देखिए मेरा साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर रहा। आप इसे अगर एक्सपैंड करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस एंड हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस मेरा लिखा हुआ है। ये इसलिए क्योंकि मेरा विंडोज़ का जितना भी डिवाइसेस है, जितना भी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर जितना भी है वो प्लग्ड इन है, वो सही तरह इनेबल्ड है, ठीक है। लेकिन हो सकता है क्योंकि आपका ऑडियो नहीं आ रहा तो वो अच्छा से इनेबल्ड नहीं हो या इंस्टॉल नहीं हो, वो अनइंस्टॉल हो। तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर में जाना है। ये जो ऑप्शन है आपको इसमें राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करेंगे तो स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस आएगा, आपको इसमें क्लिक कर देना है। आपका क्या करेगा, वो जो सिस्टम है वो पूरी तरह से स्कैन करेगा कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है। अगर वो हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो वो उसे इंस्टॉल कर लेगा, फिर आपका विंडोज़ ऑडियो चलने लगेगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने जो पहला स्टेप बताया था, पहला जो मैंने इस प्रॉब्लम पे, नो ऑडियो प्रॉब्लम इन विंडोज़ 8, 8.1 एंड 10 पे जो वीडियो बनाया है उस पर मैंने एक बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन दिया है, जिसमें मैं कंप्यूटर मैनेजमेंट पे आता हूँ, फिर सिस्टम एंड एप्लीकेशन में जाके आप ये देख सकते हैं, ये सर्विस एंड एप्लीकेशन में जाके मैं सर्विसेज में जाता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ से क्या खोजना पड़ता है, विंडोज़ ऑडियो का ऑप्शन खोजना पड़ता है, उसे रिस्टार्ट द सर्विस करना पड़ता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन इससे भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं मिला हो तो मैंने जो इस बार बताया कि आप अपने डिवाइस मैनेजर में जाके साउंड गेम्स एंड कंट्रोल में स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस करें, इससे आपका प्रॉब्लम जरूर दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने दो मेथड एक साथ कंबाइनली जान लिया कि कैसे विंडोज़ ऑडियो को आप ला सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।